नमस्ते, गिरीश इंडिया एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एयर कूल्ड चिलर। और एयर कूल्ड चिलर की चार बेसिक साइकिल होती है। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल, फिर कंडेंसर एयर साइकिल, फिर होती है चिल वाटर साइकिल और चौथी होती है कूल एयर साइकिल। अब हम एक एक करके चारों साइकिल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल की मेन कंपोनेंट है कंप्रेसर, एयर कूल्ड कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस एंड चिलर। कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का ये जो रेफ्रिजरेंट है ये डिस्चार्ज लाइन से आ जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वातावरण की हवा जो है उसका टेम्परेचर कम होता है। कंडेंसर के ऊपर जो फैन लगा है ये वातावरण की हवा को कंडेंसर के ऊपर से सक करता है। वातावरण की हवा का तापमान कम होता है जिसके कारण वातावरण की हवा कंडेंसर का जो रेफ्रिजरेंट है उसकी गर्मी को एब्जॉर्ब करती है और ऊपर से निकल जाती है। गर्मी एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और लिक्विड लाइन से जाता है ड्रायर में। ड्रायर जो है उसमें रेफ्रिजरेंट को का जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ है उसको फिल्टर किया जाता है। फिर ये रेफ्रिजरेंट जो है वो चला जाता है एक्सपांशन डिवाइस में। एक्सपांशन डिवाइस जो है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम करती है और जितना ज़रूरत है उतना ही रेफ्रिजरेंट जो है उसको चीलर को फीड करती है। इस तरीके से लो प्रेशर लो टेम्परेचर का जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है चीलर की ट्यूब साइड में आता है। चीलर की ट्यूब साइड में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होता है और पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब रेफ्रिजरेंट का तापमान कम होने के कारण ये जो रेफ्रिजरेंट है पानी से गर्मी को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से पानी ठंडा होता है। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये वेपर रेफ्रिजरेंट वापस कंप्रेसर में जाता है और इस तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। नेक्स्ट जो साइकिल है दैट इज़ कंडेंसर एयर साइकिल। कंडेंसर एयर साइकिल के मेन पार्ट क्या होते हैं, यहाँ पे एक फ़ैन होता है और कंडेंसर होती है। ये जो फैन जब चलेगा तो हवा को वातावरण की हवा को कंडेंसर के ऊपर से सक करेगा। वातावरण का हवा का जो तापमान है वो कम होता है इसके कारण ये जो हवा है कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है उसकी गर्मी को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद हवा का टेम्परेचर बढ़ता है, इस हवा को फिर फैन के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है और जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ पर हवा के कारण कंडेंस हो जाता है जो एक्सपांशन डिवाइस में भेजा जाता है। नेक्स्ट जो साइकिल होती है दैट इज़ चिल्ड वाटर साइकिल। और चिल्ड वाटर साइकिल की मेन कंपोनेंट क्या है, सेकेंडरी पंप, उसके बाद में एयर हैंडलिंग यूनिट, बैलेंसिंग वॉल, प्राइमरी पंप, चीलर और एक्सपांशन टैंक। चीलर में जो पानी ठंडा हो जाता है, पानी ठंडा कैसे होता है, ये ट्यूब का जो रेफ्रिजरेंट है इसका टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होने के कारण ये रेफ्रिजरेंट पानी की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है जिसके कारण पानी ठंडा हो जाता है। ये ठंडा पानी सेकेंडरी पंप में चला जाता है। सेकेंडरी पंप जो है वेरिएबल स्पीड होता है जहाँ पे जितनी AHU को ज़रूरत है उतना ही ठंडा पानी AHU को सप्लाई किया जाता है। फिर इस तरीके से जो ठंडा पानी है एयर हैंडलिंग यूनिट के कॉइल में जाता है और एयर हैंडलिंग यूनिट के कॉइल में जाने के बाद में ये कॉइल पूरी तरीके से ठंडी होती है। फिर ये जो पानी है कॉइल का ये हवा की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। जो भी रिटर्न एयर है या फ्रेश एयर इसमें से पास होती है उसकी गर्मी को एब्जॉर्ब करती है कॉइल और हवा ठंडी हो जाती है, वो आगे सप्लायर डक्ट में चली जाती है। पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर ये पानी रिटर्न लाइन से बैलेंसिंग वॉल के थ्रू आगे निकल के जाता है। बैलेंसिंग वॉल का काम है पानी की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करना। मतलब कूलिंग अगर आ जाती है तो बैलेंसिंग वॉल जो है यहाँ पे वाटर फ्लो को कम भी कर सकता है। तो वाटर फ्लो को एडजस्ट करने का काम कौन करता है, बैलेंसिंग वॉल। फिर ये जो पानी है रिटर्न लाइन से प्राइमरी पंप से, ये जो है प्राइमरी पंप है, ये कांस्टेंट स्पीड का हो सकता है और वापस चीलर को आता है। यहाँ पे एक एक्सपांशन टैंक भी लगा होता है। एक्सपांशन टैंक का काम क्या है, जब चीलर में पानी ठंडा होता है तो चीलर को और पानी की ज़रूरत होती है तो ये पानी एक्सपांशन टैंक से लिया जाता है। और जब चिलर को बंद करते हैं तो ये जो पानी हमने लिया था ये एक्सपांड होता है। तो एक्सपांड होने के बाद पानी को ठहरने के लिए जगह चाहिए, तो जो भी पानी हमने लिया था वो वापस एक्सपांड होने के बाद में एक्सपांशन टैंक में चला जाता है। क्योंकि जब चिलर प्लांट को हम बंद करते हैं, बंद करने के बाद में पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद में पानी फैलता है, फैलने के लिए उसको जगह चाहिए, इसके लिए एक्सपांशन टैंक यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो साइकिल होती है वो होती है एयर साइकिल। और ऐसा एयर साइकिल के जो है या कूल एयर साइकिल इसको कह सकते हैं, मेन कंपोनेंट है एयर हैंडलिंग यूनिट, सप्लायर डक्ट, डिफ्यूज़र, एयर कंडीशनिंग रूम यहाँ पे होती है, देन रिटर्न एयर ग्रिल, रिटर्न एयर डक्ट और एयर हैंडलिंग यूनिट। तो सबसे पहले जो ब्लोअर है, ब्लोअर चलता है और फ्रेश एयर को और रिटर्न एयर को यहाँ से सक करता है। ये जो हवा है पहले फिल्टर में से पास होती है जहाँ पे हवा का फिल्ट्रेशन होता है, फिर ये हवा आती है कॉइल के ऊपर,
कॉइल के ऊपर जब पास होती है, जैसे मैंने बताया कॉइल में ठंडा पानी है, तो ठंडे पानी की वजह से हवा भी ठंडी हो जाती है, पानी का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो हवा की गर्मी को ये पानी एब्जॉर्व कर लेता है, साथ ही में हवा को डिह्यूमिडिफाई भी करता है, हवा की जो नमी है उसको निकालता भी है। तो इस तरीके से ठंडा और डिह्यूमिडिफाइड एयर जो है ये ब्लोअर में चली आती है, ब्लोअर इसको प्रेशराइज करता है और सप्लायर डक्ट में भेजता है। सप्लायर डक्ट से डिफ्यूज़र के द्वारा एसी रूम जो है वहाँ पे हवा आती है, यहाँ पे डैम्पर्स लगे होते हैं जिससे कि एयर क्वांटिटी को एडजस्ट किया जा सकता है। ये हवा जब एसी रूम में पहुँचती है तो वहाँ की गर्मी को एब्जॉर्व करती है, गर्मी को एब्जॉर्व करने के बाद में हवा का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर ये जो हवा है इसको हम रिटर्न एयर कहते हैं, ये रिटर्न एयर ग्रेल से रिटर्न एयर डक्ट में चली आती है। कुछ हवा को हम एग्जॉस्ट करते हैं यहाँ से, एग्जॉस्ट एयर डक्ट के माध्यम से, क्योंकि हवा में जो भी कुछ स्मोक हो सकता है या कुछ इम्प्यूरिटीज़ हो सकती है उसको निकालना ज़रूरी है, इसके लिए कुछ परसेंटेज जो हवा है यहाँ से एग्जॉस्ट की जाती है, बाकी बची हुई हवा जो है वापस यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर में आती है। जितनी हवा को हमने एग्जॉस्ट किया उतनी फ्रेश एयर हम यहाँ से ऐड करते हैं और ये हवा जो है वापस एयर हैंडलिंग यूनिट में जाती है और फिर ये जो एयर साइकिल है कंटिन्यूस चलते रहता है। इस प्रकार के जो एयर कूल्ड चीलर होते हैं इसकी जो कैपेसिटी होती है 500 टीआर तक हो सकती है, या किलोवाट्स में बात करें तो 175 किलोवाट्स तक इसकी कैपेसिटी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।